हिंदू धर्म में भगवान कृष्णा को विष्णु जी का आठवां अवतार माना जाता है। उनका जन्म कई चमत्कारों और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ था। मथुरा में देवकी और वसुदेव जी के घर जन्मे कृष्णा एक ऐसे संसार में आए जो कसमक्के से भरा हुआ था। देवकी, जो कि अक्रमानकर राजा कंस की बहन थी, अपने पति के साथ कैद कर ली गई थी। एक भविष्यवाणी में बताया गया था कि देवकी की आठवीं संतान कंस का अंत करेगी, जिसके चलते कंस ने देवकी के पहले सात बच्चों को बहुत ही निर्दयता से मरवा डाला था। हालांकि ब्राह्मण के रक्षक भगवान विष्णु ने अपनी भक्त देवकी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। कृष्णा के जन्म की आंधी तूफान वाली रात को वसुदेव जी दिव्य प्रकाश से मार्गदर्शन प्राप्त कर कृष्णा को यमुना नदी पार करके सुरक्षित स्थान पर ले गए। कृष्णा को गोकुल में नंदा और यशोदा की देखभाल में छोड़कर वसुदेव जी एक लड़की को लेकर कैद में लौट आए, ताकि कंस को सच का पता ना चल सके। यही से शुरू होता है कृष्णा की अनोखी यात्रा। कृष्णा का बचपन गोकुल में, जो कि ग्वालों का गांव था, खुशियों, शैतानियों और असाधारण कारनामों से भरा रहा। अपने पलक माता पिता नंदा और यशोदा द्वारा पाले गए कृष्णा एक शरारती और प्यारे बच्चे थे, जिन्होंने गांवों वालों का दिल जीत लिया था। अपनी मासूम शक्ल के बावजूद कृष्णा ने छोटी उम्र से ही अद्भुत शक्ति और दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। कंस द्वारा भेजे गए पुताना और त्रिनवार्ता जैसे रक्षसों को मारकर कृष्णा ने अपने आप को एक देवता के रूप में प्रकट किया। मक्खन के प्राटी कृष्णा का प्यार और उनकी नटखट शैतानियां लेजेंडरी बन गई। वो गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे, जो उनकी हरकतों से परेशान होने के साथ साथ उनसे प्यार भी करते थे। यह बातें आत्मा की ईश्वर के प्राति अनुरक्त की निशानी बन गई। अपनी इन मस्ती मजाक वाली हरकतों के बीच कृष्णा ने अपनी दिव्य शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन किया, जिसे गांव वालों का दिल जीत लिया और एक नेता और रक्षक के रूप में अपनी भविष्य भूमिका की झलक दी। जैसे जैसे कृष्णा बेड़े होते गए, उनके मामा कंस का खतरा भी बढ़ता गया। कंस भविष्यवाणी से ऑब्सेस्ड और भय से ड्रिवन होकर कृष्णा को मारने के लिए कई बार कोशिश कर चुका था। उसने गोकुल में कई रक्षस और हथियारे भेजे, हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक। हालांकि कृष्णा ने अपनी दिव्य शक्तियों और बुद्धि से हर बार अपनी जान बचा ली। आखिर में कंस ने कृष्णा और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा में एक कुश्ती के लिए बुलवाया। यह निमंत्रण एक चाल थी कृष्णा को खत्म करने का एक चाल। नीदर और कंस के इरादे से वकीफ कृष्णा और बलराम मथुरा गए अपनी किस्मत का सामना करने और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार। नटखत भगवान कृष्णा की लीलाएं। कृष्णा का जीवन दिव्य घटनाओं और चमत्कारी कार्यों से भरा हुआ था, जिसे लीला या दिव्य खेल कहा जाता है। ये लीलाएं गहरे उपदेश के रूप में थी, जो उनकी दिव्यता और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है गोवर्धन पर्वत उठाना। जब देवताओं के राजा इंद्र ने गोकुल के लोगों पर अपना क्रोध उतारा, तो कृष्णा ने, जो कि एक छोटा बच्चा था, अपनी छोटी उंगली से भारी गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों और उनके पशुओं को 60 दिन और रात तक आश्रय दिया। एक और महत्वपूर्ण लीला है कालिया नाग का दमन करना, जो यमुना नदी को जहरीला कर रहा था। कृष्णा ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कालिया के सिर पर नृत्य किया, नाग को अपने वश में कर लिया और नदी को जहर से मुक्त कर दिया। ये लीलाएं, जो देखने में सीधे साढ़े काम लगते हैं, उनके पीछे गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं, जो कृष्णा की दया, प्रकृति पर उनकी महारत और निर्दोष के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करते हैं। कृष्णा की अमार विरासत। कृष्णा की विरासत उनके दिव्य कार्यों और शिक्षाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में पूजा जाता है। भगवद गीता, जो कि एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है, में उनकी शिक्षाएं कर्तव्य, भक्ति और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप पर अनमोल ज्ञान प्रदान करती हैं। कृष्णा की जिंदगी और उनकी शिक्षाएं ह्यूम ये सिखाती हैं कि जिंदगी को एक उद्देश्य और भक्ति के साथ जीना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा सुख ईश्वर की मर्जी के आगे समर्पित होने और अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने में है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग कृष्णा के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी दिव्य लीलाओं से प्रेरित होते हैं। वो ज्ञान, प्रेम और आशा के एक शाश्वत स्रोत बने हुए हैं, जो हमें महानता के लिए अपनी क्षमता और ईश्वर से हमारे जुड़ाव की याद दिलाते हैं।